इस सेशन में हम सितंबर से लेके दिसंबर तक के जो नेशनल इवेंट्स हैं उनकी हाइलाइट्स को, मतलब जो नेशनल इवेंट्स हैं जो हमारे कौमी सतह पर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे, और वन पेपर के हिसाब से, ठीक है, वन पेपर को मद्देनजर रखते हुए। हाँ, तो उसमें जनाब सबसे पहले रैंकिंग है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग 2021 की। अब 22 की भी आ जाएगी लेकिन इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो जो 21 में जो रैंकिंग आई ना उसमें पाकिस्तान का नंबर 161 है। अब आपको ना पाकिस्तान की जो रैंकिंग पता होनी चाहिए वो लॉ में, फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में, ह्यूमन इंडेक्स में, और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जिसको सीपीआई कहते हैं इसमें, और अभी पासपोर्ट वाली भी चली हुई है पिछले कुछ पेपर्स में नजर आती है, ये आपको पता होनी चाहिए। और ये चाहे 20% जीके तैयार कर रहे हैं चाहे 100% तैयार कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जितने मैंने नोट्स भेजे हैं उनके अंदर ये मौजूद है सारी की सारी, एक जगह लिख लें उनको, दैट विल हेल्प यू आउट, किसी एक जगह लिख लें और करंट अफेयर से टच में रहें। मतलब चैनल मैंने आपको बताया हुआ है, अब मैंने इस पे ना मंथली वीडियोस डालनी है करंट अफेयर्स की, एस्पिरेंट्स अगर ये ना मिले तो साथ में मेरा नाम लिख लें, एस्पिरेंट्स बाय सर शफी जो है वो आप लिख लें तो वो आपको मिल जाएगा। वहां पे मैंने मंथ वाइज जो है ये करंट अफेयर्स अपडेट करते रहने हैं, तो क्योंकि आपने बाद में भी टेस्ट देने हैं, तो जैसे जैसे साल 2023 गुजरता जाएगा उतने ही महीने आप 2021 के माइनस करते जाएंगे करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स आप बस लेटेस्ट 2 साल की करते हैं जिसमें ज्यादा प्रायोरिटी रीसेंट इवेंट्स को होती है जो लेटेस्ट हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हमने 2022 का करंट अफेयर पढ़ा है, तो आपने 2022 का जैन, फेब, मार्च, अप्रैल ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो रैंकिंग हो गई जी, ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल का नाम, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस, ये जो बंदा है जनाब ये पाकिस्तान में आया क्योंकि फ्लड्स आए हैं पाकिस्तान में। तो ये सेक्रेटरी जनरल कब से है, ये 2017 से तकरीबन यूएन का सेक्रेटरी जनरल है, और ही इज फ्रॉम पुर्तगाल, और पुर्तगाल का ये प्राइम मिनिस्टर भी रहा है फॉर्मर। यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स ऑस्टन, नाम जेहन में रखें, ये नाम जरूर पूछा जाता है ऐसे उदों का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएसए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, डिफेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, तो इनका रशिया, चाइना और यूएसए ये बड़े इंपॉर्टेंट है। उसने बाजवा साहब के उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कॉल की, ये आपने देखना है। इसके बाद पाकिस्तान को श्रीलंका के हाथों शिकस्त हुई एशिया कप के फाइनल में, और ये छठा एशिया कप था। फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने समरकंद उज़्बेकिस्तान में जो इस साल समिट हुआ है SCO का, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 2001 में तकरीबन बनी थी अपनी न्यू फॉर्म में। इसमें मेजर जो मेंबर्स के नाम है इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना और सारे के सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज इसके अंदर शामिल हैं। साल में इजलास होता है एक, और ये जो था वो 22nd था। अब 23rd 2023 सितंबर में होगा न्यू दिल्ली में इंडिया। इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर जो थे वो 2017 में बने थे, आस्ताना के अंदर एक समिट हुआ था तो ताजिकिस्तान। तो इसकी अगर पूछा जाए प्रेसिडेंसी किसके पास है, तो आप यू विल आंसर कि इसकी प्रेसिडेंसी जो है वो इस वक्त इंडिया के पास है। जिस कंट्री के अंदर वो हो रहा होता है तो वो प्रेसिडेंसी उसके पास होती है। अच्छा, इसके साथ जनाब आगे चलते हैं। कमर जावेद बाजवा की मुलाकात चाइनीज मिनिस्टर फॉर डिफेंस से हुई, इसका नाम जेहन में रखिए। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने यंग फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड की एक कॉन्फ्रेंस जो है वो चेयर की, यूनाइटेड नेशंस का सितंबर में इजलास होता है। इस साल यूनाइटेड नेशन का, अक्वामे मुत्तहिदा का 77 सेशन था, 1945 में ये बनी थी, 24 अक्टूबर 1945 न्यूयॉर्क मरकजी मकाम। बाकी हम इसको जब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ेंगे उसमें इसको डिस्कस करेंगे।
तो इस पे फॉरेन मिनिस्टर हमारे जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी एंड ही इज यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर एज वेल। इसके बाद यूनिसेफ की गुडविल मिनिस्टर एंजेला जॉली, ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस है हॉलीवुड की, वो यूनिसेफ जो बच्चों का एक फंड है और अकवाम मुत्तहदा का इदारा है उसकी गुडविल एम्बेसडर है, ये काम करती है उसके लिए। पाकिस्तान आई बिकॉज पाकिस्तान में फ्लड्स आए। नेशनल T20 कप होता है जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की टीमें शिरकत करती हैं। इस साल का फाते रहा सिंध। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है जॉन कैरी से। अब ये जो जॉन कैरी है ये अमेरिका का बड़ा इम्पोर्टेंट सेनेटर रहा है और अभी जो ये आजकल इसके पास जो चार्ज है वो है क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर के तौर पे, ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, ये उसके जो एडवाइजर के तौर पे प्रेसिडेंट। यूएसए का प्रेसिडेंट जो बाइडन, यू मस्ट रिमेम्बर हिज नेम, और वो 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है और ओल्डेस्ट भी है। अगर पूछा जाए ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट तो ओल्डेस्ट भी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एड्रेस किया जनाब, क्योंकि आपकी हर मुल्क का लीडर वहां पर एड्रेस करता है। प्राइम मिनिस्टर जो बाइडन से मुलाकात हो गई अमेरिकन प्रेसिडेंट से, और फिर पाकिस्तान T20 खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई जिसने 200 T20 खेली है। इंटरनेशनल लीग्स में नहीं, इंटरनेशनली, मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो वाली, ICC की जानब से। इन्होंने किसके खिलाफ खेला? इंग्लैंड के खिलाफ। कहाँ खेला? नेशनल स्टेडियम कराची में। और पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट T20 भी इंग्लैंड के खिलाफ खेला था 2006 में ब्रिस्टोल। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं कि T20 फॉर्मेट का पहला मैच जो है वो किन दो टीमों के दरमियान हुआ था। तो वो अगर इंटरनेशनल वाला मैच वो वुमेन का हुआ था, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, और मेंस का जो पहला हुआ था वो हुआ था न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ये न्यूजीलैंड जीता था, ये ऑस्ट्रेलिया जीता था। यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एंटोनी ब्लिंकन, ये 100 मिलियन US डॉलर इन्होंने अनाउंस किया पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के लिए एक इमदाद के तौर। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, अब ये जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है ये एक इदारा है, 1962 में ये इदारा फॉर्म हुआ, 1962 के आइन में ये बनाया गया था। ये डील करता है कि कोई प्रोविजन इस्लामिक, अगर आपने वो सिस्टम ऑफ पाकिस्तान जो मैंने आपको वीडियो सेंड की थी अगर आपने वो सुनी है तो उसमें आपको ये बड़ा ब्रीफली बताया गया, तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली उसमें बताया गया। तो ये चेक करती है कि कोई ऐसी कानून साजी ना हो जो इस्लाम के खिलाफ है, या कोई ऐसा स्टेप एडमिनिस्ट्रेशन ना ले जो कानून के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। तो इसको भेजा गया ट्रांसजेंडर एक्ट 2022 जो अभी चल रही है जिसके ऊपर डिबेट। इसने कहा कि इसकी बहुत सारी शिकें इस्लाम के खिलाफ है। इसका हेड इस वक्त जो है वो किबला अयाज है और तकरीबन 20 मेंबर हैं इसके। पहला इसका हेड जो था वो जस्टिस साहले, एग्जैक्टली नाम मेरे में नहीं आ रहा, इसी तरह साहले के नाम से रिटायर्ड जस्टिस थे वो थे, और उनके साथ 9 मेंबर्स थे। मेहरगढ़ सिविलाइज म्यूजियम बनाया गया। मेहरगढ़ सिविलाइजेशन पाकिस्तान की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से कंसिडर होती है। तो ये बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान के सीएम जिसका नाम इस वक्त भी मौजूदा सीएम भी है अब्दुल कदूस बिजिंजो, इसने जनाब ये इनॉग्रेट किया। सीएम पंजाब चौधरी फॉर्मर, अब तो वो फॉर्मर हो गए ना सीएम पंजाब, चौधरी परवेज इलाही, तो उसने 1122 मोटर बाइक सर्विस का आगाज किया इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। बाबर आजम ने विराट कोहली का रिकॉर्ड बराबर कर दिया फास्टेस्ट 3000 रन बना के T20 में, 81 इनिंग्स उसने ली। और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक नया जो है वो ट्विन इंजन ARD-12 के नाम से जो है वो एयरक्राफ्ट अपने फ्लीट में डाला है और ये फ्रेंच मेड। रजा आप कोई सवाल करना चाहते हैं? लीव अ मैसेज। करंट अफेयर
हाँ जी, केयर ठेकर मुहावरे आज को स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री दी है, तो बड़ा शॉकिंग न्यूज है। और अभी एक आज एक मीम चल रही थी, वो कहते हैं कि व्हाट यू विल फील के अनाउंसमेंट होगी कि जनाब बाबर आजम ने पंजाब के सूबाई वजीर स्पोर्ट्स को अपनी टीम में लेने से इनकार कर दिया, सिलेक्ट नहीं किया। अच्छा अब चलते हैं नवंबर में, सॉरी अक्टूबर में। अक्टूबर में बाजवा साहब की अलविदाई मुलाकातें जारी रही और इसने डिफेंस सेक्रेटरी से मुलाकात की पेंटागन, पिछली कॉल आई थी कुछ में पिछले महीने में, अब वो पेंटागन गया। पेंटागन उनका डिफेंस ऑफिस है, डिफेंस सेक्रेटेरिएट है समझ लो यूएसए का। प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सेशन को एड्रेस किया। ज्वाइंट सेशन से मुराद होता है पाकिस्तान की पार्लियामेंट के दोनों हाउस, सेनेट एंड नेशनल असेंबली। अब जो सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की स्लाइड थी उसमें आपको पूरा पता है, बताया गया है और वीडियो में कि सेनेट के अंदर कितने मेंबर्स हैं, कैसे वो इलेक्ट होते हैं, उनकी मुद्दत कितनी होती है, चेयरमैन कैसे इलेक्ट होता है, चेयरमैन की कितनी मुद्दत होती है, और फिर नेशनल असेंबली की कितनी सीटें हैं, हर सूबे की कितनी सीटें हैं, ये आपको पता होना चाहिए वन पेपर वालों को खासतौर पर। जो 20 नंबर का जीके है उनके लिए इसकी टोटल तादाद कितनी है बस इतना काफी है, और करंटली कौन स्पीकर है और कौन चेयरमैन है, दैट इज या लीडर ऑफ अपोजिशन ज्यादा से ज्यादा। तो इस ये ना जैसे ही एक पार्लियामेंटेरियन ईयर स्टार्ट होता है ना हर साल, तो उसके आगाज पे ये स्पीच करता होता है सदर, एक रवायत है। मोहम्मद रिजवान को मार्च सितंबर के महीने के लिए आईसीसी का जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। सीएम पंजाब ने 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो नोटिफाई कर दिए, मरी, कलागंज, वजीराबाद, कोटद्दू एंड दौसा। नाउ हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर? 41। और डिवीजन्स कितनी है? 10 डिवीजन। न्यूएस्ट डिवीजन कौन सी है? न्यूएस्ट डिवीजन का नाम है गुजरात। सुना है फिर गुजरात के चौधरी का खड़ा का कैसे? ये सीएम, ये उसमें तो वही है ना, बलूचिस्तान में तो गवर्नमेंट अभी मौजूद है, सेम ही है। अच्छा गुजरात आपका डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी, कैसे फिर, कैसा रात जो है वो चौधरी साहब ने कैसा टेलीफोन किया है जो है वो। अच्छा अब ये पीसीबी का हॉल ऑफ फेम, मैंने पूरा यहाँ पे ये फॉर्मर क्रिकेटर्स को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए इन्होंने हॉल ऑफ फेम के नाम से जो है वो दिया है, एक इदारा, एक सामने ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, एक एक जैसे आईसीसी ने बनाया हुआ है इसी तरह पीसीबी ने बनाया। तो इन्होंने सबसे पहले तो 6 लोगों को इंडक्ट किया, हनीफ मोहम्मद, इमरान खान, मियां दाद, वसीम अकरम, वकार यूनिस, जहीर अब्बास, और कहा कि हर साल 2 इंडक्ट होंगे। तो 2021 में जो आए अब्दुल कादर और फजल महमूद। अच्छा ये जो उसके बाद 2022 में जो आए हैं वो यूनुस खान और हफीज कारदार। ये जो हफीज कारदार है ये पाकिस्तान का फर्स्ट कैप्टन है, पाकिस्तान का पहला कप्तान जो ये हफीज कारदार। अच्छा मोस्ट टेस्ट रन्स किसके हैं पाकिस्तान की तरफ से? सबसे ज्यादा टेस्ट रन्स किसके हैं पाकिस्तान की तरफ से? यूनुस खान। प्रेसिडेंट आरफ अलवी ने जनाब अदालत उज़मा को खत लिखा है, आर्टिकल 86 186 है जिसको कहते हैं एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, के जी माय लॉर्ड ये जो रिकोडेक है, कल मैंने बताया था रिकोडेक के ऊपर पूरा, कि माय लॉर्ड ये जो रिकोडेक है इसका हमने दोबारा से नया सौदा कर लिया, अब कोई जायज नजायज है तो अभी बता दें। तो वो उन्होंने ओके कर दिया बाद में, ठीक है जी डू अवे विद। यही देखे ना इश्यूज हैं पाकिस्तान के, अब मौजूदा हालात किसी एक दिन में नहीं पहुंचे, इसके ऊपर सबने अपना हिस्सा डाला है। अब ये जो रिकॉर्डिंग था 2009 कहाँ और 2019 कहाँ या 21 कहाँ, तब तब अगर यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई होती, इससे कुछ ना कुछ नेशनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो नेशन को फायदा होना शुरू हुआ होता, तो आज ये हालात ना होते।
लेकिन वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने टांग अड़ा दी और वो मुहाफ़िज़ बन गए कि जी अब तो ये बेचा जा रहा है, चोरी हो रहा है, हम हैं ना, हम नहीं चोरी करने देंगे किसी को, तो भी आप कर लें और आप देखें सब, फिर कभी डैम बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली एक, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट के तौर पे, या तो वो फिर जरा ये अजीब है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के ऊपर जुडिशरी शुड नॉट इंटरवीन। इमरान खान वाज डिस्क्वालिफाइड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑन अक्टूबर 21 इन तोशाखाना केस। अब ये तोशाखाना क्या होता है, ये नो बैट। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। अब FATF की तीन लिस्टें होती हैं, एक वाइट होती है, एक ब्लैक होती है, ग्रे होती है। ब्लैक का मतलब है कि आपके कानून भी मजबूत नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ, और साथ में आप कॉपरेट भी नहीं कर रहे। दो कंट्रीज ब्लैक लिस्ट हैं, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था 2018 से। तो अब पाकिस्तान ने 36 पॉइंट एजेंडा कंप्लीट कर लिया है, और डेट याद रखनी आपने कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान को यहाँ से निकाल दिया गया। भागलपुर रॉयल्स ने जी पहला पाकिस्तान जूनियर लीग जो है वो जीत ली। ये PCB ने जूनियर्स के नाम से एक लीग करवाई थी, जैसे PSL होता है, तो वो भागलपुर रॉयल्स ने जीता पहला। पाकिस्तान का गुलाम मुस्तफा बशीर नाम का बंदा जो है, ये एथलीट है, तो ये पहला एथलीट बन गया है जिसने पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब 2020 की जो ओलंपिक्स हैं वो 2022 में हुई है चाइना में, उनकी पूरी डिटेल हम इंटरनेशनल अफेयर्स में पढ़ेंगे किसने कितने तमगे जीते। ये एक पाकिस्तान के अंदर जनाब एक जीप रैली होती है, कोल्ड डेजर्ट जीप रैली सरफरंगा के नाम से। तो ये पाकिस्तान, ये GB के अंदर होती है शेगर में। तो ये हाईएस्ट जीप रैली है दुनिया की, पहली दफा ये 2017 में हुई थी और अब एनुअली होती है। बुलपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट एनर्जी प्रोजेक्ट है जो नेशनल ग्रिड के अंदर एनर्जी देगा, तो ये पूंछ रिवर के ऊपर बनाया गया है, और पूंछ रिवर जो है वो जेहलम रिवर का एक शाख है, उसकी ट्रिब्यूटरी है। तो जी ये गुलपुर है कहाँ में, कोटली आजाद कश्मीर में के पास एक जगह का नाम। तीन जजेस नए आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनके नाम आपने जरा ज़हन में रखने हैं। सुप्रीम जुडिश जिनको सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया, जस्टिस अतर मिनुल्ला जो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, जस्टिस हसन अजहर रिजवी एंड जस्टिस शाहिद वहीद, तो इनको एलिवेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो सिलेक्शन का इदारा है उसका नाम है सुप्रीम जुडिशियल कमीशन। मैंने पाकिस्तान के सिस्टम के जो वीडियो है उसमें इसके ऊपर बड़ी डिटेल में बताया कि ये होता क्या है। उबैद जुबैरी जो है, आबिद जुबैरी, ये सुप्रीम बार कोर्ट एसोसिएशन के नए प्रेजिडेंट इलेक्ट हुए, और प्राइम मिनिस्टर ने एक 1800 अरब का जो है वो किसान पैकेज का ऐलान किया। अब ये किसान पैकेज का वॉल्यूम पूछा जा सकता है कि कितना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। अब आते हैं जी नवंबर में। नवंबर में हुआ ये है कि जी इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल में कुछ नए मेंबर्स को इंडक्ट किया गया है, 8 नए मेंबर। तो मैंने पहले बताया ये 1962 में ये बनी थी, पहले जो इसके जो थे चीफ जस्टिस, इसके चेयरमैन थे, उनका नाम था जस्टिस अबू साहले मोहम्मद अकरम। 9 मेंबर थे, अब 20 मेंबर हैं। पाकिस्तान चाइनीज पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाइनीज प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट शी से मिले हैं, और 4 नवंबर को इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई है जो नाकाम बना दी गई। पाकिस्तानी ओपनर्स ने एक रिकॉर्ड बनाया है, फीमेल ओपनर्स ने, जिसका नाम है सिद्रा अमीन और मुनीबा अली, 221 रन का। ये पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट पार्टनरशिप है किसी भी विकेट पर अब तक वुमेन में। और सिद्रा अमीन अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान की इंडिविजुअल बेस्ट स्कोर ODI के अंदर हाईएस्ट स्कोर कितना है, तो वो 176 है, जिसका जिसने बनाया उसका नाम है सिद्रा अमीन, श्रीलंका के खिलाफ लाहौर।
पाकिस्तानी तैयब इकराम, ये एक पाकिस्तानी नियात बंदा है, इसने प्रेसिडेंट हॉकी जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उसका प्रेसिडेंट बन गया ये, और इलेक्शन होते हैं बकायदा इसके, तो ये पाकिस्तानी बंदा जो है ये इलेक्ट हुआ है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पॉलिसी स्टेटमेंट दी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में 2017, ये एक एनुअली समझ लें कि क्लाइमेट के ऊपर, क्लाइमेट माहौलियात के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस होती है, और ये 27वीं काउंसिल थी, इजिप्ट के शेख शर्मल शेख में हुई, इसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने शिरकत की और एड्रेस किया। पाकिस्तान से फर्स्ट फ्लाइट इस्लामाबाद से डायरेक्ट इस्तांबुल में पीआईए ने पहली दफा 15 नवंबर को जारी, ठीक है जी। इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन जिसका नाम है आइडियाज, ये पाकिस्तान की डिफेंस मिलिट्री की जानब से एक नुमाइश होती है, आइडियाज 2022, ये कराची में हुई, ये 12 से 18 नवंबर में हुई, और ये इसका 11वां एडिशन था, 11वीं दफा हुई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड तुर्किश प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान जो है इन्होंने एक नई आबदोज का इफ्तिताह किया, PNS खैबर, ये तुर्की से बन के पाकिस्तान के फ्लीट में आ गई। अब ये जो तैयब उर्दगान है इसके पास एक और एजाज है, इसने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को 4 दफा खिताब किया, और ही इज द ओनली प्रेसिडेंट, ओनली फॉरेन डिग्निटरी जिसको ये एजाज हासिल है, तुर्की का प्रेसिडेंट है। अच्छा जी, उसके बाद फर्स्ट फेज ऑफ लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए हैं आजाद कश्मीर में, और ये 31 साल के बाद जो है लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए। लोकल बॉडीज इलेक्शन ये जो हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर वगैरह इलेक्ट होते हैं। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉरेन अफेयर, उनका नाम है मिस हिना रबानी खार, तो ये पहुंची हैं काबुल के अंदर, ठीक है, वन डे स्टेट विजिट पर। अब ये जो हिना रबानी खार है, फॉरेन मिनिस्टर हमारा कौन है, बिलावल भुट्टो, एक होता है फेडरल मिनिस्टर और एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है समझ लें ये जूनियर मिनिस्टर होता है, तो ये जो हिना रबानी खार है इस वक्त ये है, पहले हिना रबानी खार भी पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर रहेंगे इससे पहले, और शी इज द फर्स्ट फीमेल, पहली फीमेल, पहली फीमेल प्रेस जो ये हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की, ये गिलानी साहब के दौर में जो ये नहीं है, जरदारी साहब के दौर दिसंबर में चलते हैं जी। पाकिस्तान की एम्बेसी काबुल में अटैक की गई, और ये जो जिन मुजाहिदीन का हमने पूरी कौम ने बड़ा ढिंडोरा पीटा कि देखें जी इस तरह से इन्होंने काबुल को संभाला है आके जैसे मक्का फतह हुआ था, तो जी ये मोमिनीन हैं, अब उन मोमिनीन ने हमें तंग करना शुरू कर दिया, तो पाकिस्तान के सफारतखाने पर भी काबुल में हमला हुआ है, रोजाना बॉर्डर के ऊपर तो रोज ही होता है। नादरा को ISO अवार्ड मिला है, ये क्वालिटी इंश्योरेंस का एक अवार्ड होता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो अपनी नई जो CPI देनी है उसमें पाकिस्तान, वो 31 जनवरी को उन्होंने कहा है कि 2022 के हम जारी करेंगे, तो उसके लिए पाकिस्तान का स्कोर एक्सपेक्ट किया जा रहा है 140 पोजीशन, अभी एग्जैक्टली आ जाएगी, तो उस पर उन्होंने कहा है कि पुलिस पाकिस्तान का सबसे मोस्ट करप्ट इदारा है समझा जाता है। हिलाल इम्तियाज दिया गया जनाब जनरल साहिर शमशाद और आसम मुनीर को, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो हैं वो चीफ ऑफ जॉइंट मिलिट्री स्टाफ हैं, और आसम मुनीर साहब पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। इब्रार अहमद पाकिस्तान का स्पिनर है, इसने डेब्यू किया है, और ये दुनिया का चौथा स्पिनर बन गया दुनिया की हिस्ट्री में जिसने अपने डेब्यू पर पहले मैच में 5 विकेटें हासिल की। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंगापुर की प्रेसिडेंट हलीमा याकूब से मुलाकात की, ये सिंगापुर की पहली फीमेल प्रेसिडेंट है, और वैसे 8वीं प्रेसिडेंट है, 2017 से ही प्रेसिडेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ये पाकिस्तान आए, और ये जो बंदा है ये है जनाब
चाड एक मुल्क है, अफ्रीकन मुस्लिम मुल्क है, वहां से है। और ये 12वां सेक्रेटरी है ओआईसी का। ओआईसी स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। 1969 में मोरक्को के शहर रबाद में ये बनी थी। और इसका पहला जो सेक्रेटरी जनरल था, अगर वो पूछ लिया जाए तो उसका नाम था तंकु अब्दुल रहमान, इंडोनेशिया से था। तंकु अब्दुल रहमान सदपारा माउंटेनियर, ये एक इदारे का इफ्तिताह किया गया है जिसका नाम है सदपारा माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट। और ये अली सदपारा के नाम पे, जो फौत हो गए एक मुहिम के दौरान, उनके नाम पे ये बनाया जाएगा। उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है, इसका यानी कि बुनियाद रखी गई है, स्कर्दू में ये बनाया जाएगा, बस इसका आपने प्लेस याद रखें। प्राइम मिनिस्टर ने M6 का इफ्तिताह किया। अब ये मैंने आपको जब पाकिस्तान की ज्योग्राफी पढ़ाई थी ये कहा था कि आपने जो हाईवेज हैं, मोटरवेज हैं, उनके नंबर, वो किस शहर को किस शहर से मिलाती हैं, टोटल लेंथ कितनी है, ये जहन में रखना है। तो ये 70 हैदराबाद जोड़ती है, 6 लाइन प्रोजेक्ट है, 306 किलोमीटर ये लॉन्ग है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने जनाब रिको फाइनल उसका एग्रीमेंट साइन हो गया, तो वो ये उसकी डीलिंग जो है वो साइन, ये 50% कंपनियों के पास है, 50% पाकिस्तानों के पास है, 25% बलूचिस्तान के पास और 25% पाकिस्तान की OGDCL कंपनी और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड इसके पास। तो दो कंपनियों के पास 25% शेयर होगा, 25% बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के पास और बाकी। अब ये जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, इस सेशन में हम उन अपॉइंटमेंट्स को देखेंगे। जब हमने पिछला सेशन पढ़ा था तो उसमें हमने मार्च से लेके जो अप्रैल तक, सॉरी सितंबर नहीं अगस्त तक जो अपॉइंटमेंट्स थी वो नहीं पढ़ी थी जनवरी से लेके। तो अभी हम एक ही सेशन पर, अगला दोबारा लिंक में शेयर करता हूँ, आप उसको ज्वाइन करें। हम डेथ्स, अपॉइंटमेंट्स और डेथ्स और अपॉइंटमेंट्स और स्पोर्ट्स इस पूरे साल के अंदर होने वाले जो हैं उनको फिर अगले सेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। जो अगला सेशन होगा उसमें हम नई अपॉइंटमेंट्स जो इस साल हुई, जितने लोग फौत हुए या स्पोर्ट्स, ये तीन चीज़ों को हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो दोबारा ज्वाइन आप।